उस साइड कितनी चीले उड़ रही हैं, पता नहीं इतनी चीले कहाँ से आ गई। देखता आज है गाइस संडे, और संडे को तो आपको पता है कि हम जाते हैं अम्मी के, तो 3-4 दिन से गए भी नहीं हैं। हम जा रहे थे अम्मी के घर, और हमें निकलते निकलते मगरिब की अजान भी हो गई थी। गाइज आज मैं अपना फेस रिवील कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक तो आप मेरे ब्लॉग्स में मेरी आवाज़ें सुनते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब मैं आपको रोज़ अपने ब्लॉग में दिखाई दूँगी, और डेली का जो रूटीन होगा वो भी आप देखेंगे। और मैं सबसे पहले अपने सब्सक्राइबर का थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और बस इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये है अर्श, और ये मेरा बेटा है, इसे आप लोग ब्लॉग में देखते हैं डेली, और ये मेरा बहुत बड़ा सपोर्टर है, क्योंकि जब मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था तो घर में किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया था, तो अर्श ही मुझे सपोर्ट करता था। और जब स्टार्टिंग में मुझे गाइस एडिटिंग भी नहीं आती थी, तो अर्श ही मेरे ब्लॉग को एडिट करता था, और ये मुझे बहुत सपोर्ट करता है। तो अर्श आ गए थे यहाँ पर कन्फेक्शनरी, और यहाँ से ले रहे थे अपने लिए चिप्स, खाने पीने की चीज़ें। यह है अज़हर, इनकी कन्फेक्शनरी है ये, और अम्मी के घर के नीचे ही है ये। हाँ तो अज़हर बोले, मैडम को चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, मैम बहुत मेहनत करती हैं, आप भी मेहनत करें थोड़ी से, मैम को सपोर्ट करें। गाइस हम पहुंच गए थे अम्मी के घर, और आए हुए मुझे आधा घंटा हो गया, आज मैं बहुत ही लेट आई हूँ अम्मी के यहाँ, तो चलिए चल के दिखाते हैं आपको कि क्या हो रहा है। देखिए सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, देखिए अर्श और रब्बान, आज इनकी डांट पड़ी ना, तो आज इनका क्रिकेट है बंद, तो ये ऐसे ही खेल रहा है। ये बैट बॉल खेल रहा हूँ, या तलवारों से लड़ रहा हूँ, तलवारों से लड़ाई हो रही क्या? अर्श को गाइस लग रही थी भूख, तो अभी खाना रेडी नहीं है अम्मी के घर, तो अर्श को बना के दी है हिदा ने मैगी। आज मुझसे कह रहे थे तो मैंने मना कर दिया, तो हिदा ने कहा आंटी मैं बना कर दे देती हूँ, तो अर्श अपनी मैगी इंजॉय कर रहे हैं। आज हिदा अप्पी ने कैसी मैगी बनाई? बहुत ही अच्छी, बढ़िया। चलो अर्श को किसी के हाथ की मैगी पसंद नहीं आती, आती हूँ खुद ही बनाती, या फिर इन्हें चाहिए होती है मेरे हाथ की मैगी। और यहाँ रब्बान बैठी है, देखिए रब्बान आप कुछ कहना चाहती? गाइस आपको एक गुड न्यूज़ और देनी है कि अगस्त स्टार्ट हो चुका है, और ये मंथ जो है ये मेरे अर्श की बर्थडे का मंथ है, तो अगस्त में आती है अर्श की बर्थडे, तो आप लोग डेली मेरे व्लॉग वॉच करें, क्योंकि इसी मंथ में है अर्श की बर्थडे, और आप देखना कि हम क्या करते हैं। देखिए मोबाइल के लिए हो रही है लड़ाई, शाबान को रब्बान फ़ोन नहीं दे रहा है, दोनों लड़ रहे हैं, और शाबान बुला के लाए नानी को कि मुझे फ़ोन दिलाओ। गाइस देखिए समीना मेरे लिए बनाकर लेकर आई है चाय, वैसे तो मैं चाय पीकर ही आई थी घर से, और फिर जब मैं यहाँ पहुँची तो भाई ने, मेरे छोटे वाले भाई ने कोल्ड ड्रिंक मंगा ली थी सबके लिए। देखिए शाबान आपको हेलो बोल रहा है, शाबान कह रहे हैं मैं गेम डाउनलोड कर रहा हूँ, आप भी खेल लेना। शाबान घूमने चलोगी? बताओ कहाँ चले, हम शाबान के घर आएंगे घूमने, सही शाबान? हाँ है, शाबान आपके घर आ जाए घूमने, आ जाए। हमारी वाली हमारी है क्या?
गाइस देखिए हम बना रहे हैं आलू की कतली और टमाटर डाल के। देख अभी प्याज डाल दी मैंने इसमें। वैसे तो गाइस अम्मी ने बनाए हैं दाल चावल, क्योंकि बिरयानी बिरयानी सबसे दिल भर गया है तो हल्का खाना बना लिया है रात की दाल। और देखिए मेरी खाती हुई चावल ही बनाए हैं अम्मी ने, ये चावल। और मैं दाल चावल नहीं खा रही तो रोटी तो है, तो मैं बना रही थी कतली है। अपने लिए बना रही हूँ और जो खाएगा वो खा लेगा। वैसे अम्मी ने सारा काम आज खाना वाना बना लिया है, बस मैं थोड़ी सी कतली बना रही हूँ अपने लिए। और देखिए ये बच्चे कोल्ड ड्रिंक रखी थी फ्रिज में से निकाल के सारी पी ली। गाइस देखिए सब खा रहे हैं खाना और अम्मी ने बनाई है बहुत टेस्टी दाल चावल। अम्मी कौन सी दाल है? अरहर की, अरहर की दाल, अरहर की दाल चावल। और देखिए मैंने कतलियाँ बनाई थी, आई देखना कुछ कुकर में पका ली, सीटियाँ लग गई ज़्यादा, भुर्ता बन गया इसका। अम्मी बैठी गाइस इस ब्लॉग का एंड में यही करती हूँ, कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। गाइस हम घर पहुँच गए थे और देखिए इतनी सारी मेरी मेडिसिन है जो रात को भी खाना है। दिन सुबह के खाने की तो बहुत है, रात की कम है, तो बस मैं ये मेडिसिन ले लेती हूँ और उसके बाद सोते हैं और फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे सुबह।